बेगम साहिबा, हम आ गए। आपने हमें याद किया। माफी चाहते हैं, आने में थोड़ी सी देर हो गई। ये क्या था? ताली। ताली नहीं चाहिए मुझे। नहीं, वो नौला का हार चाहिए जिसका वादा किया था आपने जाने से पहले। भूली नहीं आप। औरत ना वादा भूलती है ना भूलने देती है। हार निकालिए। हार लेने के लिए ही तो निकले थे आपके सामने। दुश्मनों ने मुल्क पर हमला कर दिया, खड़े पांव हमें जंग पर जाना पड़ा। तो कह नहीं सकते थे दुश्मनों को बेगम को हार देने जाना है, उसके बाद हमला करो। दुश्मनों ने मुल्क पर हमला किया था, वो कोई खो खो खेलने के लिए नहीं आए थे। जो हम उनसे कहते हैं, थोड़ी देर के लिए वही रुके, अभी हम बेगम साहिबा को हार देकर आते हैं। क्या कह रही है आप? जरा सोचिए, आपके इस हार के चक्कर में अगर हम जंग हार जाते तो। ये सब आपके बहाने हैं। असल बात तो ये है कि बदल गए हैं आप। अब आप हमारे वो वाले महाराज नहीं रहे। सही कहते थे हमारे बाबा, शादी के बाद सब मर्द बदल जाते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर लगने लगती है। अब आप बेगम साहिबा, कहाँ मुर्गी और दाल, हांडी में क्यों घुस रही है आप? महाराज, कहीं आप जंग में लड़ते लड़ते किसी और औरत से नैन तो नहीं लड़ा बैठे? ये क्या कह रही है आप? क्या हो गया आपको बेगम साहिबा? अरे हम इतने गिरे हुए और बेगैरत इंसान थोड़ी ना है जो इतनी घटिया और जलील हरकत करेंगे। छी, लानत है। खुदा गवाह है बेगम साहिबा, खुदा गवाह है, जंग में भी हमने किसी औरत के ऊपर आग उठाकर नहीं देखा ना। फिर ठीक है महाराज, तभी तो हम कहते हैं जान में दाग हो सकता है लेकिन महारानी के महाराज में नहीं हो सकता। हस्तक्षेप के लिए क्षमा चाहते हैं। जहाँपना? जहाँपना? कौन जहाँपना? कौन? कौन जहाँपना? आप? जीजा जी हैं हम आपके। जीजा जी बुलाइए, कितनी बार हमने आपसे कहा है दिग्विजय, जहाँपना हम औरों के लिए। हम कौन है आपके? जीजा जी। काम के लिए आए हो? आहा, वो तो बताओ। जीजा जी, वो जो दो अति सुंदर महिलाएं जिन्हें आप जंग से साथ लेकर आए, वो मेहमान खाने में आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जी, क्या हुआ? आओ छोटे, जरा हम भी तो देखें कौन है ये दो अति सुंदर महिलाएं जिन्हें साथ लाए हैं तुम्हारे प्यारे जीजा जी। जी हम आ रहे। पकड़े। जीजी, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, हमने सुना है महल में दो अति सुंदर महिलाएं आई हैं, तो हम देखने चले आए कहां हैं, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं। शेखू, थोड़ा धीरज रखो। जहाँपना आ गए हैं। Ha ha ha!
ये तारा भाई है। और ये जो भी है कुदरत का अजीब वो शाहकार है। ये खूबसूरती तो लफ्जों के पार है, दिल पर तार है, कलेजे पर सीधा वार है, ख्याल है, बवाल है, माल है, सवाल है, बेमिसाल है। देखो मुगलिया सल्तनत के माथे पर लगे बदकिस्मती की फफुंदी। अम्मी छोड़िए हमारे लाल को, क्या किया है हमारे बच्चे ने, बस छोटी मोटी तारीफ ही तो की है। शेखू बेटा अब आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहिए, हम जरा मामला समझ लें। हम सुन रहे हैं। हम भी बता रहे हैं। ये है तारा भाई और ये तिलोत्तमा। और जैसा कि हम अभी आपको बता ही रहे थे कि हमसे जंग हारने के बाद राजा अर्जुन राणा ने जब अपना राज्य हमें सुपुर्द किया, उसके बाद उन्होंने हमसे कहा। क्या कहा? उन्होंने हमसे कहा कि ये दोनों उनकी मुलाजिमा है। हमें कहने दीजिए। तारा भाई हमें बताना पड़ेगा क्योंकि महारानी साहिबा है ये। हाँ तो जैसा हम बता रहे थे आपको कि राजा अर्जुन राणा ने हमसे ये भी कहा कि ये दोनों उनके राज्य में परिवार का दर्जा भी रखते हैं। और बाद में उन्होंने हमसे गुजारिश की, गिड़गिड़ाए हमसे, उन्होंने हमसे कहा कि जहां पनाह अपने साथ इन दोनों को अपने मुगलिया सल्तनत ले जाइए और अपने अपने सरपरस्ती में रखिए। और आपने तो एकदम से हाँ कर दी होगी। हाँ ना 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 बिल्कुल ना 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 काफी देर तक हाँ ना ऐसी बहसबाजी चलती रही वहां पर। बाद में उनके लाभ गड़गड़ाने के बाद तब जाकर महारानी साहिबा हमने हाँ कह दी। और वैसे क्या काम करती थी ये वहां पे? काम करती थी ये बताइए। बता रहे हैं ये वहां दासी। हाँ दासी। परंतु महाराज इन्होंने वस्त्र और आभूषण तो रानियों वाले पहने हैं। हाँ वो राजा अर्जुन राणा ने हमें ये भी बताया था कि ये दोनों दासियां जो है उनकी उनकी महारानी साहिबा की लाडली दासियां थी। तो क्या है जो वो खाती थी इनको खिलाती थी, जो वो पहनती थी इनको पहनाती थी। कई बार तो ये दोनों भूल भी गई थी कि ये दोनों दासियां हैं। बादशाह सलामत क्या हम जान सकते हैं कि हर बार इन दोनों की जगह आप क्यों जवाब दे रहे हैं? क्योंकि ये बेचारी बोल नहीं सकती है जन्म से। क्या हे भगवान आपका अर्थ है महाराज कि ये जन्म से बोल नहीं सकती? हाँ। बोल नहीं सकती अब बदकिस्मती से। क्या कर सकते हैं महारानी साहिबा, क्या कर सकते हैं? हमें क्षमा कर दीजिए, हमें पता नहीं था। और ये भी नहीं, मेरा मतलब है कि हम तो बोल सकते हैं, हम तो बोलने के लिए ही जाने जाते हैं। अच्छा तो तुम भी दासी? नहीं, हम तो महाराज के दरबार की सबसे उत्कर्ष तनक धिन खाक थी। क्या थी? मेरा मतलब है कि नृत्यांगना थी।
मिथ्यांगना थी। अच्छा अम्मी जान रख लीजिए ना, इतनी प्यारी तनक दिन धा और कहाँ मिलेगी, रख लीजिए ना। ठीक है शेखू, आज से ये तिनक दिन धा अर्थात नृत्यांगना यही रहेंगी। और ये भी यही रह लेंगी, दासी का काम करेंगी। मुबारक हो, आज से आप हमारी दासी। महाराज आपकी नहीं, हमारी दासी नियुक्त हुई है ये। ये हमारे कक्ष के समक्ष वाले कक्ष में रहेंगी, और आप तो जानते ही हैं महाराज, चांद में दाग हो सकता है लेकिन महारानी के निर्णय में ना। चलिए आप दोनों हमारे साथ चलिए। बताओ चंगेज, कैसा लगा हमारा निशाना? ऐसा निशाना तो मेंढक भी मक्खी पे नहीं लगाता। मेरा बच्चा, काश शेखू की जगह तुम हमारे बेटे होते, कितना सुकून होता। वैसे तो शेखू भी एक जानवर ही है, सिर्फ वो बोल सकता है। काश चंगेज तुम बोल पाते, कितना अच्छा होता। महाराज की जय हो। परवरदिगार ने हमारी सुन ली, तुम बोल पाते हो चंगेज, तुम बोल पाते। पर ये क्या, आज हमें पता चला चंगेज कि तुम एक औरत हो। तखलिया जी, आप तारा। महाराज तारा भाई आपसे तिरकिट दूम ढा करना चाहती हैं। यहाँ बगीचे में महाराज झगड़ा करना चाहती हैं। झगड़ा? महाराज किसी के सोने के मुकुट पर अगर मैली चादर डाल दी जाए तो उसे कैसा महसूस होगा? ये तो बोलती है, जाहिर है तकलीफ होगी। किसी कोयल के कूकने पे अगर रोक लगा दी जाए तो उसे कैसा महसूस होगा? उसे भी तकलीफ होगी। आइए आखिरी प्रश्न, आपके महल की ऊंचाई कितनी है? माफ करना, हमने कभी नापी नहीं है, थोड़ा वक्त दे दीजिए, हम नपवा लेते हैं। ज्यादा समय नहीं है, 2 दिन बाद करवा चौथ है, जब हम आपके महल की छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे तो आपको सबको बताना ही पड़ेगा कि हम कितनी ऊंचाई से कूदकर गिरे। खुदकुशी क्यों करना चाहती है आप? क्योंकि हम वही कोयल है जिसके सोने के मुकुट पर मैली चादर डालकर उसके कूकने पर रोक लगा दी गई। महाराज जब आपने हमारे पिता राणा सिंह को हराने के बाद सम्मान दिया था, हम उसी के कायल हो गए थे, इसीलिए आपसे शादी की। और आपने हमें पत्नी का दर्जा देने की बजाय दासी बना दिया। महारानी के होते एक और शादी। तारा खुदा गवाह है हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्द हम आपको दर्जा भी देंगे, लेकिन सही समय आने पर।
तब तक के लिए अपने जज्बातों पर काबू रखिए, बस इतनी सी इल्तिजा है, आ गले लग जा। तब तक आप भी ऐसा ही करें, अपने जज्बातों पर काबू। सरेआम शादी की घोषणा के बिना हमारे प्यार के दरवाजे को खटखटाने की कोशिश मत कीजिएगा। आज से हम आपके महल की वो आग बनकर रहेंगे जिसे आप देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते। इंसाफ दीजिए, छू लीजिए। अब महाराज को पता चलेगा कि विरह की आग में जलना क्या होता है। तारा, तुमने महाराज से शादी उन्हें विरह की आग में तिरकिट तिरकिट धाम करने के लिए की थी या उनके प्यार में देरे ना करने के लिए की थी? लोतमा, शादी तो हमने देरे ना करने के लिए ही की, लेकिन महाराज की हालत भी तो हमसे छुपी हुई नहीं है ना। इसलिए तुम छुपी हुई हो। कुछ ही वक्त की बात है, तुम तो जानती हो राज हमसे कितना प्रेम करते हैं। देखना, बहुत जल्द सबके सामने अपनी तारा को अपनाएंगे। और तब तक तारा इसी तरह धूल में पड़ा रहेगा। तारा, हम महाराज की नियत पर तकर 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 धाम नहीं कर रहे हैं। मतलब शक नहीं कर रहे हैं। पर तारा समझो, हम चाहते हैं महारानी के सामने महाराज तुम्हें जल्दी अपनाए। हम तो चाहते हैं तुम्हें जल्द से जल्द धूम ताना मिले। मतलब मौका मिले? नहीं, इंसाफ मिले। ये कैसा इंसाफ है, महाराज ने बारिश पर भी कर लगा दिया, अब भगवान जाने क्या होगा। ये शर्फी कहां से आए? हाँ, ये शर्फी कहां से आई? अरे इंसाफ भाई, इंसाफ भाई, इंसाफ भाई, इंसाफ भाई, भाई। अरे रामलाल, लगता है बीवी मायके गई है। अरे इंसाफ भाई, आपको कैसे पता? आपका चेहरा लटका हुआ है, हाथों पर आटा लगा हुआ है और कपड़े भी मैले। ऐसा तो तभी होता है ना जब बीवी मायके चली गई हो। और ये क्या रही मियाँ, बाकी जी की दीवार की पुताई फिर अधूरी छोड़ा है। हाथों को देखकर लग रहा है कि मैं पुताई कर रहा था, लेकिन बगीचे की दीवार को कर रहा था, ये कैसे पता चला आपको? वो आपके भांजे, याँ। इसके पैजामे पर अब भी वही रंग लगा हुआ है और इसके हाथ में आपके बगीचे का याम है ना। वाह इंसाफ भाई, क्या पार की नजर है। भाइयों, जब तक इंसाफ है किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी। शुक्रिया 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 इंसाफ भाई, शुक्रिया। चले अब अपने अपने काम पर जाइए। राम 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 राम। कि तू क्या करता है इंसाफ, मंत्रियों को हमने लूटा था ना, ये बात बादशाह अकबर को पता चल गई होगी ना तो वो आग बबूला हो गए होंगे। ये तो और भी अच्छा है, अब मेरा संदेश उस आग में घी का काम करेगा। संदेश? कौन सा संदेश? क्या संदेश भेजा है इंसाफ ने? हुजूर, हुजूर, हुजूर। जहां बना आप तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे कौशल। हुजूर, ये जमीन है, जमीन। आपसे किसने पूछा रोशन अली? लेकिन रोशन अली तो हम है हुजूर। अरे खुदा के वास्ते कोई बताएगा आप में से कौन कौन है? जाइए, जाकर के मुंह साफ करके आइए। हुजूर, पक्की जाई है, छूट नहीं रही है। तो कम से कम चुप तो रह सकते हैं ना आप।
जाइए अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। अब कोई कुछ नहीं कहेगा, अब जो कहना है हम कहेंगे। दिग्विजय जा, जा पन्ना। इंसाफ ने जो संदेश भेजा है आवाजें बुलंद पड़ा जाए। जा पना सलामत रहे ताकि मुझ नाचीज से मिल पाए, क्योंकि मैं आपसे मिलने राजमहल आ रहा हूँ। मुंह दिखाने के एवज में आपकी कोई कीमती चीज ले जाऊंगा। मुझे पता है आप अफसोस नहीं करेंगे, आपका इंसाफ। ऐसा संदेश भेजकर कहीं हम आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच तो नहीं कर रहे हैं? अरे लाल लंगोट, जब बैल पास आएगा तभी तो उसे सींग से पकड़कर काबू कर पाएंगे। खनागा। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हमें कुछ दिनों के लिए शांत रहना चाहिए, मामला थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर अकबर और उसके साथियों को मिलकर मजा चखाएंगे। डरना मना है यार। लाल लंगोट तो हमेशा डरपोक जैसी बात क्यों करता है? रफीक, रफीक नाम है मेरा। माफ कर दे यार लाल लंगोट, फिकर इतनी मुश्किल से तो हमने मामला गर्म किया और तू ठंडा करने की बात कर रहा है। अब इंतजार है बादशाह अकबर के नियोते का, महल जाएंगे तभी तो इंसाफ कर पाएंगे। अब इंसाफ होगा। हम इंसाफ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अपनी रियाया के दिल में जो इंसाफ के लिए डर है उसको हमेशा हमेशा के लिए साफ कर देंगे। फौरन इंसाफ को गिरफ्तार किया जाए ताकि हम अपनी जनता को इंसाफ दे सके। अब्बू जान, मगर हम जनता को इंसाफ क्यों देंगे? अगर आप इंसाफ का इंसाफ नहीं कर सकते तो इंसाफ का इंसाफ हम करेंगे और इंसाफ को हमेशा हमेशा के लिए साफ कर देंगे, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि इंसाफ इंसाफियत का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। इसीलिए हम इंसाफ को अपने राज्य से हमेशा हमेशा के लिए साफ कर देना चाहते हैं। अब्बू जान, अगर आपने राज्य से इंसाफ को साफ कर दिया तो ये तो साफ साफ ना इंसाफी हो जाएगी। शेखो, हम अपने इंसाफ की बात नहीं करें, बल्कि उस शातिर चोर इंसाफ की बात करें जो ना इंसाफी कर रहा है। हम उस इंसाफ को कभी माफ नहीं करेंगे। अब्बू जान, इंसाफ को माफ नहीं किया जाता, इंसाफ सिर्फ किया जाता है, और इंसाफ वही होता है जो होते होते साफ साफ दिखाई दे। दिग्विजय, आपको इंसाफ चाहिए या नहीं? चाहिए, जहाँ पना चाहिए, किंतु हमें समझ में नहीं आ रहा है वाले कौन से वाले इंसाफ की बात कर रहे हैं आप? आपके वाले, चोर वाले या शेख वाले? कोई वाले भी चाहिए, जहाँ पना अवश्य चाहिए। तो सबसे पहले अपने गुप्तचरों में ये संदेश फैला दीजिए कि जो भी हमें इंसाफ का पता बताएगा हम उसे मुंह मांगा इंसाफ देंगे, इनाम देंगे। और अगर इंसाफ खुद हमसे मिलना चाहता है तो हम खुद उसे राजमहल में आने की दावत देंगे। ये कैसे संभव है जाफरा? हम अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। तिलोत्तमा का नृत्य होगा, दावतों की तैयारियां होगी, प्रजा के चुनिंदा नुमाइंदों को दावत दी जाएंगी कि वो भी आकर हमारे इस जश्न में शामिल हो। इंसाफ इस मौके का फायदा जरूर उठाएगा और वो हमसे मिलने जरूर आएगा।